इंडिया इस दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। आज के समय में यहाँ 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसमें से 50% से ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन रहती है। अब कहते हैं कि यूथ एक देश की उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यूथ को यूज़फुल बनाने के लिए एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल होता है, लेकिन क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये करने में सामर्थ्य है? आज की इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम सही है या सिर्फ एक स्कैम है। साल 1980 में इंडिया और चाइना, इन दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलमोस्ट बराबर थी, लेकिन फिर चाइना ने अपने देश में कई नई एजुकेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, जिससे कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम से बढ़ गई। इन नई एजुकेशन पॉलिसीज़ ने चाइना के स्टूडेंट्स को कई नई प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई, और इसलिए आज चाइना की इकोनॉमी भारत से कई गुना ज़्यादा बड़ी है। चलिए पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम का इतिहास जानते हैं। भारत में एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता था। पहले भारत के हर गांव में एक गुरुकुल तो होता ही था, जहां बच्चों को बहुत सारी कलाएं सिखाई जाती थी, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, डिबेट, कुकिंग, फॉरेस्ट्री, कॉमर्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, और साथ में हमारे वेद पुराण भी सिखाए जाते थे। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया गया। देखो, बात यह है ना कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, तब वे चाहते थे कि हम उनके हुक्म को माने, उनके आगे हमेशा झुक कर रहें। लॉर्ड थॉमस मॉकलॉय द्वारा ये बदलाव किए गए। सारे गुरुकुलों को जला दिया गया और उनकी जगह इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल्स खोले गए, और भारत के प्राचीन शिक्षा प्रणाली को मॉकलॉय एजुकेशन सिस्टम में बदल दिया गया। अब भारत की आज़ादी के बाद ये एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके दुष्प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलते हैं। हर एजुकेशन सिस्टम को दो फेसेस में बांटा जाता है। फर्स्ट फेस होता है आपकी 12th क्लास तक, और दूसरा फेस होता है आपका 12th के बाद। फर्स्ट फेस ऐसा होता है कि इस फेस के बच्चों को अपने बारे में, अपने देश के बारे में और अपने कल्चर के बारे में सिखाया जाए, साथ ही डेली लाइफ के लिए रिक्वायर्ड एसेंशियल स्किल्स जैसे कि फंडामेंटल कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड फाइनेंस की समझ जैसी स्किल्स भी सिखाई जाए। लेकिन हमारा आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो फर्स्ट फेस में ही फेल हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई ही नहीं जाती। क्रिटिकल थिंकिंग की अगर बात करें तो आज हम सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक में लिखी हुई चीज़ें ही याद करते हैं, और ना ही उससे हम आगे सोच पाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूलों में सिर्फ यही सिखाया जाता है कि टेक्स्ट बुक और नोटबुक्स को पढ़कर कैसे मार्क्स लेकर आ सकेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो कई ग्रेजुएट्स को आज भी इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, और बच्चे तो अलग, बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्हें खुद इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश से हटकर अगर हम हमारी खुद की भाषा हिंदी की बात करें, तो आधे बच्चों को हिंदी भी सही से बोलनी नहीं आती है। साल 2020 में करीबन 800,000 यूपी बोर्ड के बच्चे हिंदी में फेल हो गए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि बड़े क्लासेस में आने के बाद लैंग्वेज के यूसेज में बहुत चेंजेस हो जाते हैं, जिससे बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता। जो इतिहास हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है वो भी झूठा है, क्योंकि वह हमारे आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करता है। जो हिस्ट्री हमें सिखाई जाती है वो हमें अपने कल्चर पर प्राउड करने के बजाय सिर्फ सेल्फ डाउट में डालता है, क्योंकि वहाँ आपको अपने देश की हज़ारों साल पुरानी रिच हिस्ट्री नहीं दिखाई जाती कि कैसे भारतीय राजा पोरस ने सबसे महान राजा कहे जाने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट को हराकर भारत में घुसने से रोक दिया था। ना ही हमें यह बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारा यही देश दुनिया की GDP में 33% के साथ डोमिनेट करता था। इन सब छोड़कर आपको सिर्फ और सिर्फ 100 से 200 सालों की कॉलोनियल हिस्ट्री की ही बताई जाती है, और ये भी नहीं कि हमने ब्रिटिशर्स से कैसे फाइट की, बल्कि ये बताया जाता है कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत के राजाओं को हराया था, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमें सभ्य बनाया।
साथ ही ना हमें हमारे ग्रंथ सिखाए ही नहीं जाते जिनमें हमारे कल्चर के भगवानों के साथ साथ आपको कितने आदर्शपूर्ण कर्म दिख जाएंगे और जीवन को कैसे जीते हैं ये भी मिल जाएगा। इन सब का नतीजा ये निकला कि आज हम खुद ही अपने कल्चर को नहीं अपनाते और वेस्टर्न कल्चर पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स और इंडियन वैल्यूज़ जैसे पैर छूना, व्रत रखना, पूजा करना, मंदिर जाना, कई लोगों को आज बैकवर्ड कल्चर फील होता है, जबकि वही लोग आपको वेस्टर्न कल्चर की गाथा गाते हुए दिख जाएंगे, उनके वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हुए दिख जाएंगे। अब सेकेंड फेज में स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड को कैसे फेस करना है वो उनके स्ट्रीम के हिसाब से सिखाया जाता है, लेकिन ये भी कहाँ तक सक्सेसफुल है। स्टूडेंट्स को थियोरेटिकली ही पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट 45% यूथ तो अनएम्प्लॉयबल ही है। मनी मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है जो हर एक स्टूडेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कोर्सेस उन्हें सिखाया जाना ही चाहिए, लेकिन आज इंडिया में हालात इतने बुरे हैं कि 15,000 से 20,000 रुपये मंथली कमाने वाला आदमी आज 1,00,000 रुपये का आईफोन लेकर घूमता है, लाखों की बाइक चलाता है, फिर चाहे उसकी सारी कमाई EMI में ही क्यों ना जा रही हो। आज कोई भी रट्टा मार कर टॉप मार सकता है। स्कोर्स ही आज के एजुकेशन सिस्टम का मेन मोटिव बन चुके हैं। रात में पढ़ते हो दिन में पढ़ते हो? मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। पढ़ते नहीं हो? हाँ, कम ही पढ़ता हूँ, बस रट्टा मार के पेपर दे आता हूँ, आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स के आने से पहले एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन आज बड़े और अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को साल के लाखों रुपए देने पड़ते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता। ज़्यादातर लोग अच्छी जॉब ना मिलने पर स्टार्टअप के नाम पर दुकानें खोल लेते हैं, जैसे MBA चाय वाला, BTech पानीपुरी वाली, एक्सेट्रा। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन इन्हें स्टार्टअप्स कहना ये गलत बात है। गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल तो इतना ख़राब है कि वहाँ के टीचर्स खुद ही क्लासेस में सोते रहते हैं, इसलिए तो शायद हमने आज तक किसी चीफ मिनिस्टर के बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए नहीं देखा। इन शॉर्ट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा स्कैम है जो हमें हमारे ही कल्चर, हमारे ही वैल्यूज़ को हेट करना सिखाता है और क्रिटिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा भी नहीं देता है। आप देख सकते हैं कि आज सोशल मीडिया पे सिर्फ थोड़े व्यूज़ के लिए लड़का हो या लड़की अपने ही कल्चर की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इसे ज़रूर से लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करना। थैंक यू।